नमस्कार, जय मसीह की। मैं प्रभु में आपका भाई संजय मौर्य आज बात करूंगा पुराने नियम से नए नियम तक प्रार्थनाओं में कितना अंतर आया है, कितने अंतर की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और इसके विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूं। पुराने नियम में प्रार्थना करने के लिए भी नियम था, व्यवस्था थी, और एक तौर तरीका था धार्मिक, जिस प्रक्रिया से होकर गुजरना था। परंतु नए नियम में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप कभी भी प्रभु के पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं, और आप बिना मुंह धोए प्रार्थना कर सकते हैं, आप बिना नहाए धोए प्रार्थना कर सकते हैं। बस शर्त है तो इतनी है कि आप अंदर से साफ हों, अंदर से आप पवित्र होने चाहिए, और इवन पापी लोग भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए नियम के अनुसार आप जब चाहें जितनी चाहें प्रार्थना कर सकते हैं। पुराने नियम में प्रार्थना एक जिम्मेदारी या फिर एक नौकरी के जैसा या फिर एक मजदूरी के जैसा लोग मानते थे, समझते थे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, नौकरी का एक समय होता है और मजदूरी कोई करना नहीं चाहता है। इसलिए आप अपनी प्रार्थना को मजदूरी या नौकरी ना समझें। और पुराने नियम में परमेश्वर को बॉस के रूप में चित्रित किया गया है, एक मालिक के रूप में चित्रित किया गया है, एक ऐसा अधिकारी जो कड़क होता है ऐसा चित्रित किया गया है। परंतु नए नियम में परमेश्वर को प्रेमी, दयालु और आपका मित्र के रूप में चित्रित किया गया है, बताया गया है, दर्शाया गया है। ध्यान रहे, लोग अपने बॉस से या मालिक से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या तो वो उससे डरते हैं या फिर वो उनसे वो झिझक लगती है, वो शर्माते हैं। इसलिए परमेश्वर अब आपका प्रेमी है, मित्र है, इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत, उसके पास जाइए, लगातार प्रार्थना करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना कोई जॉब या जिम्मेदारी नहीं है, मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जॉब कोई करना नहीं चाहता है और नौकरी का समय होता है। इसलिए आप लगातार प्रार्थना में बने रहें। और मनुष्यों को पुराने समय में, पुराने नियम में परमेश्वर की प्रजा के रूप में चित्रित किया गया है, दर्शाया गया है। परंतु नए नियम में हमें परमेश्वर की संतान के रूप में संदेश दिया गया है। नए नियम इस बात की पुष्टि करता है, बार बार इंकरेज करता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। और जब हमारा संबंध परमेश्वर से पुत्र और मित्र का हो गया है, तो हम दिल खोल कर उससे प्रार्थना कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा और लगातार प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पुराने नियम में यह संदेश प्रचलित था कि प्रभु से डरो, परंतु नए नियम में इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि परमेश्वर से प्रेम करो। और मैं आपको बता दूँ, किसी ने कहा है, प्रार्थना इसलिए करो कि तुम्हें प्रार्थना ना करना पड़े, और अच्छे दिनों में भी प्रार्थना करते रहो ताकि आप बुरे समय वाली प्रार्थना ना करें। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल की किताब में लिखा है 4 अध्याय उसकी 35 आयत में, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। और भजन संहिता 2 अध्याय 11 आयत में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। और भजन संहिता 96 अध्याय की 9 आयत में लिखा है, पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो और सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। परंतु नया नियम परमेश्वर को ऐसे चित्रित नहीं करता है, नया नियम ऐसे चित्रित करता है। यीशु ने कहा, मत्ती 6 अध्याय उसकी 9 आयत लिखा है, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और यूहन्ना 15:14 में यीशु कहते हैं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। और Ephesians 2:19 में लिखा है, इसलिए तुम अब परदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया नियम आपको परमेश्वर का मित्र कहता है, नया नियम आपको कहता है परमेश्वर के बच्चे हो, नया नियम आपसे कहता है आप उसके घराने के हो, या फिर वो आपके घराने का सदस्य हो गया है। और नया नियम में लिखा है, 1 यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है 1 अध्याय में, जो लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर
प्रेम है, और जो लोगों से प्यार नहीं करते वो परमेश्वर से भी प्यार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर से प्यार करिए, और जब आपको ईश्वर से मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, तो प्रार्थना, आपका प्रार्थना का जीवन अपने आप बढ़ जाएगा, आपकी प्रार्थना की पद्धति में बदलाव आएगा, और आप लगातार प्रार्थना कर पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं का समय तब नहीं रहेगा जब आपको मोहब्बत हो जाएगी। जब तक आपको खुदा से मोहब्बत नहीं है तब तक आपको 5 मिनट भी भारी लगती होंगी, लेकिन जब प्रेम हो जाएगा आपको उसकी याद आएगी, आप उसके साथ बैठना चाहेंगे, आप उससे गुफ्तगू करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। और मेरी दुआ है कि आपको खुदा से मोहब्बत हो जाए और आपके समय की सीमा बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कृपया हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली संदेश की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।